शक्तिमान सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं है, ये एक प्रतीक है सच्चाई का, इंसाफ का। और अब समय के साथ इस शक्ति को किसी और को देने का समय आ गया है, और ये शक्ति मैं तुम्हें दे रहा हूं। अब से तुम्हें ही इस दुनिया में इंसाफ कायम रखना है, क्योंकि अब तुम हो शक्तिमान। ये एक बहुत ही बड़ा उत्तरदायित्व है, और ये मैं कर भी पाऊंगा या नहीं ये भी नहीं पता। आज तक मैं शक्तिमान को बस देखते आ रहा था, वो मेरे लिए इंस्पिरेशन था, लेकिन अब मुझे शक्तिमान बनके उस लेगेसी को आगे ले जाना है। ये सुनकर बहुत डर लग रहा है, मैं शक्तिमान बन भी पाऊंगा या नहीं। अंधेरा कायम रहे, शक्तिमान लौट आया है, और इस बार वह पहले से भी ज्यादा ताकतवर और काबिल हो गया है। आपके पिता शक्तिमान को हरा नहीं पाए थे, लेकिन इस बार आपके पास मौका है। आप उसको मारकर उसकी शक्तियां ले सकते हैं, और दुनिया आपके कदमों के नीचे होगी। ये जंग मैं नहीं छेड़ रहा, ये जंग पहले ही छिड़ चुकी है। फिर तो इसका जवाब धमाकों की गूंज से देंगे। आज सल्तनतों को एक कर देंगे, कल जमीन को राख कर देंगे। बाकी दुनिया अंधेरों में गुजारा कर रही थी, ताकि हमारी नस्ल फिर से जी सके पृथ्वी पर। मैं काल का पिता, अपनी शक्ति उसे देने के बाद मैं अपने लोक में रुक नहीं सका, पर मौत वरदान रखी, क्योंकि कैदखाने में अपनी नाकामियों के साथ जीना बदतर है। मकसद था सच्चाई और समाज का रक्षक बनकर अंधेरे को मिटाना, और बन गया महायोद्धा शक्तिमान।